तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रिव्यू पे। और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ ना भाई, उस मूवी का नाम है रंग बिरंगी। और ये मूवी 2018 में आई थी। और भाई ये मूवी एक मास्टरपीस कहूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि भाई जब मैं इस मूवी को देख रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कि भाई इस मूवी को देखते टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मूवी की स्टोरी रन कर रही होती है ना, तो भाई लगता है कि भाई आगे क्या होने वाला है। क्योंकि इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा चार लड़के जो एक लड़की के प्यार में पागल है, लेकिन उन लोगों का कुछ एम होता है, लेकिन वो अपने एम से कैसे भटक जाते हैं। और इस मूवी में आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिलेगा, कैसे चार लड़के अपनी अच्छी खासी लाइफ को प्यार में पड़ने के बाद कैसे उनकी लाइफ खराब हो जाती है, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और भाई इस मूवी में जो लोग भी भाई किसी से भी प्यार करते हैं ना, तो भाई इस मूवी को जरा एक बार जरूर देख लीजिए। जब कोई लड़की मना करती है या कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, तो भाई उसके प्यार के चक्कर में वो किस हद तक गिर जाता है, आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और भाई इस मूवी में प्यार की असली डेफिनेशन क्या होती है, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और भाई प्यार के लिए लोग कैसे पागल है एक लड़की के पीछे, कैसे अपना काम वाम छोड़ के इस लड़की के पीछे लग जाते हो, और दूसरी साइड जो उनकी लाइफ चल रही होती है वो कैसे स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाती है, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और भाई इस मूवी की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। और इस मूवी का डायरेक्शन, क्लाइमैक्स, स्क्रीन प्ले और इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर है ना, उनको क्रिएट किया गया है भाई, वो एक तरह से बेहतरीन तरीका है इस मूवी को बनाने का। क्योंकि भाई इस मूवी में जो कैरेक्टर है ना, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ना, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए ना, तो इस मूवी में एक लड़की है जो अपने शहर से अपने मामा मामी के पास आई है रहने के लिए, और वो कॉलेज में पढ़ना चाहती है कुछ सालों के लिए। और जब वो लड़की उस शहर में आती है, तो कुछ लोग उसकी सुंदरता को देख के कैसे उस लड़की के पीछे पड़ जाती है। और उस लड़की का भी असली एम यही होता है कि तैयार होके जाए और लोग मेरी तारीफ करें। और इस मूवी में देखने को मिलेगा ये जो चार लड़के एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और लास्ट में लड़की किसको मिलती है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और ये मूवी भाई बहुत ही जबरदस्त है, इस मूवी को भाई बिल्कुल मिस मत करना। और ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। प्यार में पड़ने के बाद इनकी लाइफ किस डायरेक्शन में मूव करती है, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर इस मूवी के अगर बेस्ट सीन के बारे में बात करो ना, तो इस मूवी में लास्ट में एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करती है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो एक तरह से टॉपर होता है, जो बोलता है कि मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझे मेरे पास प्यार वगैरह के लिए कोई टाइम नहीं है। और वो लड़का लड़की को ये आंसर देता है कि जो मेरे मामा थे वो एक फर्स्ट रैंक टॉपर थे और उन्होंने भी प्यार किया था, लेकिन आज वो पागल खाने में है। और वो लड़का बोलता कि प्यार ये नहीं होता कि फर्स्ट ईयर में किसी और से, सेकंड ईयर में किसी और से, और थर्ड ईयर में माँ बाप की खुशी के लिए किसी और लड़के से शादी कर लेना। भाई ये इस मूवी का ये मुझे बेस्ट डायलॉग लगा है। मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, वरना भाई एक तरह से तगड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। मैंने चाहता कि भाई मूवी देखने का मजा आपका जरा सा भी खराब हो। और भाई इस मूवी को भाई बिल्कुल मिस मत करना। और इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सभी को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में भाई कुछ भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।